पठान मूवी का प्रमोटिंग स्टार्ट हो चुका है, प्रमोशन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जो शाहरुख खान साहब का जो फैन है ना, वो एक भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं इस मूवी को लेकर। भले ही पठान मूवी का जो ऑफिशियल जो यश राज की तरफ से कोई भी प्रमोशन पे कोई भी कुछ करने से पीछे हट रहे लोग, क्योंकि कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे, कुछ कर नहीं रहे, उसके हिसाब से पठान मूवी का जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो शाहरुख खान सर का जो फैंस हैं वो लोग ये काम कर रहे हैं। हालांकि अभी से नहीं, 3-4-5 महीने पहले से, यानी 6 महीने पहले से ही पठान मूवी का प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोटिंग कर रहे हैं, कहीं पे पोस्टर लगा रहे हैं, कहीं पे बैनर लगा रहे हैं, मतलब हर एक जगह पे हर एक फैंस क्लब का एक अलग ही अलग, मतलब अपना एक रूटीन चल रही है, एक अलग अलग ही वो अपने काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ये जो मतलब जहाँ पे शाहरुख खान को मतलब इंडिया के शान शाहरुख खान या और भी बहुत सारे नारे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो ये एक रियलिटी है, क्योंकि अगर जितना बायकॉट गैंग वाले जितना कुछ कर रहे हैं उतना फैंस भी सपोर्ट कर रहे हैं शाहरुख खान साहब को, फैंस भी सपोर्ट कर रहे हैं पठान मूवी को, फैंस भी मूवी को प्रमोट कर रहे हैं, फैंस भी मूवी को प्रमोटिंग कर रहे हैं, यानी कि हर एक जगह से फैंस का सपोर्ट मिल रहा है। जिस हिसाब से इनका जो जीरो मूवी आया था शाहरुख खान साहब के, जीरो मूवी फ्लॉप हो गई, उसके बाद से एक लंबी गैप के बाद में पठान मूवी आ रही है और इस मूवी को सपोर्ट मिल रही है। अब फाइनली ये देखने का है कि पठान मूवी 25 जनवरी को क्या होने वाली है और उस दिन क्या जलवा दिखाती है। अभी तक का जो भी फैंस का सपोर्ट है, फैंस का जितना इस मूवी को सपोर्ट करना चाहते हैं उतना तो कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा, क्या इस बायकॉट गैंग वाले से प्रॉब्लम हो सकती है मूवी को या नहीं हो सकती है, ओनली इंडिया का। हालांकि दूसरा कंट्री में, बाहर के कंट्री में इस मूवी को बहुत ज़्यादा क्रेज है, बाहर से बहुत ही अच्छा कलेक्शन आने वाली है पठान मूवी को, लेकिन इंडिया का कलेक्शन में अभी तक डाउट चल रही है, क्योंकि जो सीन हुआ था लाल सिंह चड्ढा मूवी को लेकर वही सीन इस मूवी के साथ में ना हो, इसके लिए थोड़ा हम लोग डरे हुए हैं, थोड़ा हम लोगों का डर हुआ है कि शायद ऐसा कुछ सिचुएशन ना हो जाए पठान मूवी के साथ में। तो ओवरऑल ये देखने के बाद में बहुत ही एक खुशी होती है कि पठान को एसआर के सर को सब सपोर्टिंग में है। हालांकि अभी कुछ वीडियो ऐसा भी चल रही है जो जॉन इब्राहिम सर को लेकर है कि पठान मूवी से जॉन इब्राहिम नाराज हैं और उस मूवी को साथ में शायद वो प्रमोट नहीं करेंगे, प्रमोटिंग नहीं करेंगे, कहीं पर जाएंगे नहीं, कुछ ऐसा ऐसा KRK मतलब एक वीडियो बना के डाले हुए थे कि जॉन इब्राहिम ब्लेम कर रहे हैं पठान मूवी को मेकर पे या YRF पे या शाहरुख खान पे, जो वो सोचे हुए थे जैसे वो सीन चाहते थे शायद वैसा पठान मूवी में सीन नहीं है इसकी वजह से। तो ऐसा ऐसा अफवाह बहुत सारे होने वाली है पठान मूवी को लेकर, बहुत सारे मतलब झूठी बातें फैलाई जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ पे, इस पे ध्यान आप लोग ना दें और आप लोग हमको भी सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोगों के यहाँ पे एक से एक बढ़ के अपडेट मिलता रहेगा, मूवी रिव्यू हो, रिएक्शन हो, ट्रेलर रिव्यू हो, रिएक्शन हो, A to Z आप लोगों के यहाँ पे मिलेगी, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट मिलती रहेगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट करें, सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और पठान से लेकर जितने भी अपडेट आएगी आप लोगों के सामने आएगी, किसी का भाई किसी का जान उससे भी पूरा अपडेट आप लोगों के यहाँ पे आएगी, जो चीज़ का जानकारी होगी उसका A to Z अपडेट आप लोगों को इस चैनल पे मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं एक और अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।